हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग चलते हैं अंदर और स्टार्ट करते हैं। हाँ, अंडा दिया तुमने? दिए यार, अंडा नहीं दिया, बल्कि इसने रात को दिया था ना, इसलिए सुबह नहीं देगी। ये पड़ा है अंडा इसका। अच्छा हाँ यार, ये दोस्तों, यार गाइस, जब रात को मैं आया ना इनका दाना पानी चेंज करने, तो फिर मैंने इसका अंडा आया पड़ा था, मैंने इसका अंडा उठा लिया उसके बाद। तो उस वक्त हम, मैं और भाई गए थे बैंक रात को ही, तो रात को कुछ हम लेके आए थे, तो फिर वो भी मेरी जेब में थे, बटुआ और मोबाइल मेरा। ये है कि जब भी मैं ऊपर आता हूँ ना दाना पानी इनका, रात को चेंज करता होता हूँ मैं, क्योंकि दिन के टाइम फिर टाइम नहीं होता मेरे पास। तो फिर मैंने वो निकाल के रख दिया, बाहरी बटुआ और मोबाइल भी, और जो हम लेके आए थे वो भी निकाल के रख दिया। तो फिर मैंने इनका दाना पानी चेंज किया और अंडा भी यहीं पर भूल गया और मैं नीचे जाके सो गया। ये भी मैं उठा तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर दूँ। तो गाइस, ये अंडा है जो रात को आया था, और ये हैं पैसे जो कि ये भी रात को आए थे। मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यार ये पैसे हैं, मैं और भाई गए थे रात को बैंक और वहाँ से लेके आए। यार ये यूट्यूब की पेमेंट है, यूट्यूब की तरफ से आई है। यार ये ना काफ़ी सारे नोट हैं, इनको ना दोबारा इकट्ठा करके यहीं पर रख देते हैं, और इसको भी रख देते हैं, जो ना दोबारा भूल जाए, इसको भी रख देते हैं, इसको भी रख देते हैं। अब मैं दोबारा जाऊँगा तो ये नीचे लेता जाऊँगा, लाजमी याद से भूलना नहीं है। तो गाइस दोबारा आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो आज हमने जाना है मार्केट, कुछ बर्तन लेने हैं अपने बर्ड्स के लिए, अपने मुर्गियों के लिए, इसके अलावा अपने खरगोशों के लिए। इन बिचारों का ना खुराक का बर्तन नहीं है, इसी में बेचारे फीड करते हैं। इनका खुराक का बर्तन लेंगे और इनका पानी का बर्तन भी छोटा है, अगर मिला तो ये भी ले लेंगे। और सुन लो, तुम्हारी मैंने कोई भी चीज़ नहीं लेनी, क्योंकि तुमने अभी तक अंडे नहीं दिए। जिस दिन मुझे ये पता चला ना कि तुमने अंडे दे दिए, फिर जाके तुम्हारे लिए कुछ ले आऊँगा, या तो मुझे ले आऊँगा, या जो भी चीज़ मिलनी ना इनके लिए भी ले आऊँगा लाजमी। अभी इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, रैबिट्स ने बच्चे दिए हैं और मुर्गियाँ भी अच्छा मुझे प्रोग्रेस दे रही हैं, इसलिए मैं मुर्गियों और रैबिट की चीज़ें लेने जाता हूँ। तो यार इनके भी पानी के बर्तन गंदे से हैं, वो भी लेंगे। मुर्गियों का भी कोई प्रॉपर बर्तन नहीं है, एक बाल्टी से लगी हुई है, इनका भी बर्तन लेंगे। तो उसमें उनके नए पानी के बर्तन होने चाहिए, नए खुराक के बर्तन होने चाहिए, न्यू केज है, मुर्गियाँ भी न्यू हैं, तो फिर अंडे भी नए नए आएंगे, उससे बच्चे भी छोटे छोटे निकलेंगे। यार आज इनके मैंने साफ फूड भी नहीं भेजा, देख फिर आज अंडा भूल रहा था। यार आज इनके मैंने साफ फूड भी नहीं भिगोई जो इनको डाल सकूँ। अभी फिलहाल ये हमें बैठे हैं बगैर सॉफ्ट फूड के, सिर्फ दाना और पानी पर गुजारा है इनका भी। ऐसे है ये आया तो बैठा है वैसे भूखा, लेकिन इसको मिला अभी तक कुछ नहीं है। यार गाइस, आज ना मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो मेरी फिंचीज है ना, इसने आज अंडे दे दिए हैं। क्योंकि कल रात को और परसों रात जब मैं आया तो मैंने देखा कि ये ना अंदर थी, रात के वक्त ये अंदर होती है, दिन को क्या गर्मी होती है ना इस टाइम, तो दिन को ये अंदर नहीं आती, बाहर ही बैठी रहती है, जबकि रात होती है ना ये अंदर चले जाते हैं। रात को ठंडक पड़ती है, अंडे ठंडे हो जाते हैं, तो उस वक्त ये अंदर चले जाते हैं और अंडों को हेच करती है। मेरे ख्याल में मैं अब देखता नहीं हूँ, डिस्टर्ब हो गई है, ऐसे इसके एक या दो अंडे होने चाहिए। आ जाओ यारो, आ जाओ, खुराक खाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे आ गए हैं, सारे आ गए हैं। कितने रह गए? पीछे ठहरा हुआ है, एक ऊपर ठहरा हुआ, बाकी सारे खा रहे हैं। तो गाइस अब हम चलते हैं मार्केट, दरवाजे को बंद कर देते हैं। यार पहले मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेता हूँ, ये कपड़े ना मैं बाहर नहीं पहन के जा सकता, तो कपड़े वगैरह चेंज कर लेते हैं और फिर चलते हैं मार्केट। यार आप लोगों ने फिर भुलवा दिया, मैं दोबारा बटवा वगैरह लेना भूल गया था। आजा लक्ष्मी आजा। यार गाइस, पहले ना हमने यहाँ से सीमेंट ले लिया, वरना ये दुकान बंद हो जाती है। अब हम बर्तन लेने। तो गाइस अब हम फाइनली दुकान पर पहुँच चुके हैं, ये होलसेल की दुकान है। यहाँ पर देखे ना कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं वाइट कलर के। अच्छा यहाँ पर ये खुराक के बर्तन भी पड़े हुए हैं, यहाँ पर यार ये लोहे के बर्तन है, ये मेरे ख्याल में मुर्गियों के होते हैं। अंडे देखें माशाल्लाह कितने सोने सोने हैं, और वाइट कलर के अंडे हैं, सफ़ेद सफ़ेद ये हैं तो बरेलर मुर्गियों के। यहाँ पर इनकी खुराकें भी पड़ी हुई हैं, ये वैसे हैं तो बर्तनों की दुकान, लेकिन यहाँ से बर्तनों की दुकान मुर्गियों की है ना, इसलिए यहाँ से खुराकें भी मिल जाती हैं। ये भी पूरा रैक इनका अंडों का भरा हुआ है एक। यार ये बर्तन वैसे कमाल का है, ये ले लेते हैं। इससे ये है कि खरगोशों में भी हम इसे रख देंगे, मुर्गियों में भी रख देंगे। मुर्गियां इससे ये है कि पानी पीती हैं, ख़त्म भी नहीं होता पानी इनका, और सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि मुर्गी का गंदा नहीं होता। क्रेट कैसे भरा हुआ है यार अंडों का, माशाल्लाह। यार ये है खुराक मुर्गियों की, और ये है बड़ी मुर्गियों की, वो चूज़ों की है। ये जो रैक इनके बने हुए हैं ना, इसमें इनकी सारी खुराकें पड़ी हुई हैं। यार मुझे तो यही बर्तन पसंद आ रहा है, दिल तो करता है यही ले लूँ। इससे यह है कि इनका पानी गंदा नहीं होगा, और मुझे ना 48 घंटे बाद करने पड़ेगा। ये जो 24 घंटे की फटीक है ना, ये बर्दाश्त नहीं होती मेरे से। यही दो ले लेते हैं, दोनों ही ले लेते हैं, एक खरगोशों में रख देंगे और एक उसमें रख देंगे अपनी बड़ी मुर्गियों की। भाईजान ये कितने का है ये वाला बर्तन, बड़े वाला? यार गाइस देखो यार, ये एक और बर्तन भी है, ये खुराक का बर्तन है, ये चूज़ों में रखते हैं। इससे ये है कि ना, इसमें चूज़ा घुस नहीं सकेगा और पैर से सारी खुराक ज़ाया नहीं कर सकेगा। ये खुल भी जाते हैं, इसको साफ़ कर लो, खुराक डालो और फिर इसे बंद कर लो। खुराक तो खैर ऊपर से भी डाल जाएगी, लेकिन यार ये मुझे बहुत आला लग रहा है, यही ना ले लें। ये एक चूज़ों के लिए ले देते हैं, वरना ये ना चूज़ों की कोई आइटम ना ले सके हम, और सारी मुर्गियों की और उनकी आ जाए क्या कहते हैं अपने खरगोशों की। यार ये मिक्स फीड पड़ी हुई है, तो मैं यूँ करता हूँ, एक ये ले लेता हूँ या दो ये ले लूँ। यार मैं ऐसा करता हूँ, इनसे पूछता हूँ, अगर नीचे वाली प्लेट चेंज हो जाती है ना, तो ऐसे दो दे दें।
यार भाईजन जो इनकी नीचे वाली प्लेट है ये एक और कलर की मिल जाएगी, क्योंकि मैंने खरगोशों में रखना है और एक मुर्गियों में रखना है, ये ना फिर मिक्स हो जाए। एक कलर की आती हैं यार, जहाँ पर ना छोटे बर्तन भी ठहरे हुए हैं कुछ चूज़ों की पानी के लिए भी और चूज़ों की खुराक के लिए भी। लेकिन ये 130 रुपए के और ये 190 रुपए के, हम 190 वाला ले लें, जब 60 रुपए का ही फर्क है तो क्यों ना बड़ा ले लिया जाए। यार गाइस फाइनली मैंने दो बड़े बर्तन भी ले लिए और चूज़ों वाला छोटा बर्तन भी ले लिया, अब ना यहाँ से मैं मुर्गियों की खुराक ले लेता हूँ, ख़त्म हुई पड़ी है। यार ये मैंने ना कुछ मछली के तेल के कैप्सूल लिए हैं, इससे ये होता है कि बर्ड्स ना जल्दी ब्रीड पर आते हैं। और ये मैंने बर्तन भी दोनों बनवा लिए, ये शापर में डलवा लिया छोटा बर्तन और जो बड़े थे ना उनको रस्सी से बनवा लिया। तो गाइस ये अब हम सारा सामान लेके आ गए हैं ऊपर। ये मैंने सीमेंट लिया क्योंकि मेरी ये जगह भी है, अल्हम्दुलिल्लाह इसको पेंट तो हो गया, पूरी कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसके नीचे अभी सीमेंट लगानी है और उसके ऊपर वहाँ पर ईंटें लगानी है। ईंटें मैंने वो भिगो दी थी सुबह ही, अब हमने यहाँ पर ईंटें लगानी है इसके ऊपर और उसके ऊपर फिर सारा प्लेट्स लगा के ये मुकम्मल हो जाएगी। ये इसलिए सीमेंट लेके आया हूँ ताकि मसाला बना सकूँ। और इसके अलावा ये मैंने लिया मुर्गियों की खुराक 13 नंबर जो होती है जिससे मुर्गी अंडे देती है, 12 नंबर खुराक मैंने ले ली थी चूहों की, अब ये ले आया हूँ। अपने सबसे अच्छी चीज़ ले आया हूँ ना वो अपने रैबिट्स के लिए जो चीज़ ले मैं लाया हूँ वो है ये बर्तन। इसके अंदर पानी भर देंगे, रैबिट्स आराम से पी लेंगे। हमें ये है कि हर वक्त पानी के बर्तन नहीं चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है ना, और रैबिट इसमें पी सकेगा पानी। और एक बर्तन लिया मैंने अपनी बड़ी मुर्गियों के लिए, फिर मैंने सोचा यार मेरे चूहे बेचारे बोर होते रहेंगे कि हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है, ना खुराक है या खुराक में मुर्गियों की है, पानी का बर्तन में मुर्गियों का है, रैबिट का भी पानी का बर्तन। फिर मैंने उसके लिए ये चीज़ ले आया हूँ, ये खुराक का बर्तन है। इसमें यह है कि चूहा घुस गए घुसेगा तो वो खुराक गिरा नहीं सकेगा और उसमें घुस भी नहीं सकेगा, यहीं से खुराक ठहर के खा लेगा और ज़ाया भी नहीं करेगा। ये ले आया हूँ अपने चूज़ों के लिए। अच्छा, और ये मैं वो तो सारी चीज़ें बाहर से लेके आऊँ ना, ये मैं ले आया हूँ अपने घर के नीचे से, ये हैं आलू के छिलके, ये डाल दूँगा अपने रैबिट्स को, जो मैंने आज मिक्स कर दिया ना सारों को उन्हें को ही डाल दूँगा। तो चलिए चलते हैं अंदर, सबसे पहले ये डाल देता हूँ अपने रैबिट्स को। अंडा 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 सबसे पहले अंडा उठाते हैं यार, अंडा छोटा होता जा रहा है इसका, मैंने से वैसे कल खुराक नहीं डाली ना इसलिए अंडा छोटा है इसका, खुराक डाली थी लेकिन थोड़ी डाली थी वरना तो जिंदा ही नहीं होती, यूँ ही पड़ी होती। खैर ये अंडा इसका छोटा है और सफ़ेद भी है, चलो एक अंडा है आज इसको रख देते हैं यहाँ पर, बल्कि बास्केट में रखते हैं इसको, बास्केट भी तल ले गई। अच्छा ये अब मैं डालता हूँ यार, आज ना मैंने अपने सारे रैबिट्स ना इकट्ठे काट दिए हैं, अब जैसे ये मेरी मुर्गियाँ बाहर निकल जाएंगी ना फिर इनको अलग अलग करेंगे, इनके ब्रीडिंग बॉक्स बनाएंगे बकायदा तौर पर। लेकिन अभी ये देखें माशाल्लाह कितना गंद मचा पड़ा है रैबिट्स का, बड़े छोटे सारे मिक्स हैं यार, मज़े की रंग हो गई है यार, यार क्या कमाल कलर हुआ है कॉलोनी को, बहुत प्यारी हो गई। दोपहर को हमने कलर किया था, अब तकरीबन आने वाला है और ये पूरी अच्छी तरह सूख चुकी है। मैं बाहर से तो बहुत प्यारे लग रहे हैं यार, ये देखें इसके फटे ऐसे थे ही नहीं यार, ये लगते हैं कि वही फटे हैं वो जो वहाँ पर पड़े हुए थे गली किस्म के, अंदर से तो मैं देखना ही भूल गया इसे यार, डोर भी लेवल आए हाय लश हो गया। अंदर चलते हैं और देखते हैं, बल्कि बर्तन भी लेते जाते हैं एक रख देंगे इनमें, क्योंकि वैसे भी रखना है ना पानी के लिए, पानी का बर्तन ना हम इस साइड पर लगाएंगे इसका ताकि आराम से बाकी जगह इनके लिए खुली हो। यार क्या कमाल का रंग हो गया यार, कितनी प्यारी साइड बन गई है यार, ये आधी ढकी हुई और आधी जाली वाली, और ये साइड भी आधी जाली, पीछे से सूरज आ रहा है। आज रात को या कल सुबह ना हम इसकी टाइलें वगैरह लगा देंगे यहाँ से और फिर इसके ऊपर सोलर पैनल्स लगा के ना इस पर अपनी मुर्गियाँ छोड़ेंगे। तो गाइस तो हो गया मुकम्मल, कल के व्लॉग में इंशाल्लाह हम इसके नीचे ना मसाला वगैरह लगा के इसको मुकम्मल कर लेंगे, बिल्कुल ही अच्छी तरह मुकम्मल जिसे कहते हैं, और उसके बाद फिर इसमें मुर्गियाँ छोड़ देंगे। तो गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।